हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गौरव। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कनाडा के उन कॉलेजेस की जहाँ पे जो है आप अपना मई 2024 इनटेक के लिए ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं तो आपको जो है 7 से 10 दिन में अपना ऑफर लेटर मिल जाता है। मैं कोई भी प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं करूँगा, मैं उन्हीं कॉलेजेस की बात करूँगा जहाँ पर आपको एक तो क्विकेस्ट ऑफर लेटर भी मिलेगा और ऑफर लेटर के साथ साथ जो है आपको इन सारे कॉलेजेस में अपना जो है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा भी मिलेगा आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ योर स्टडीज़। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सो, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लेके आए तो आपको अपडेट्स मिल सके। तो आइए हम अपने पहले कॉलेज की बात करते हैं। तो जो पहला कॉलेज हमारी लिस्ट में है वो है फैनशो कॉलेज। फैनशो कॉलेज का जो मेन कैंपस है वो लंदन में है। इसके अलावा इसका सिमको कैंपस भी है और आपको टोरंटो जीटीए एरिया में भी इसका जो है कैंपस मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज जो हमारी लिस्ट में है वो है फ्लेमिंग कॉलेज। फ्लेमिंग कॉलेज का जो मेन कैंपस है वो पीटरबोरो में है। इसके अलावा इसका लिंडसे कैंपस भी है और अगर आप जीटीए में जाना चाहते हैं तो आपको जो है फ्लेमिंग का टोरंटो कैंपस भी मिल जाएगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन इज़ सेंट लॉरेंस कॉलेज। सेंट लॉरेंस कॉलेज के भी टोटल आपको 2 कैंपस मिल जाते हैं, जिनमें से इनका जो मेन कैंपस है वो सडबरी में है और इसके अलावा इनका जो जीटीए कैंपस है वो कैम्बियन हैंसन के नाम से है। तो उसमें भी आपको जो है अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है और आपको जो है ऑफर लेटर विद इन 5 डेज के अंदर अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट डीएलआई इन अवर लिस्ट इज़ लॉयलिस्ट कॉलेज। लॉयलिस्ट कॉलेज का जो मेन कैंपस है वो बेलविल में है। इसके अलावा इसके 2 और कैंपसेस हैं जैसे कि पोर्ट होप एंड नॉर्थ यॉर्क। नॉर्थ यॉर्क वाला जो इनका कैंपस है वो जीटीए कैंपस है। जो बच्चे टोरंटो के एरिया में जाना चाहते हैं वो इनका नॉर्थ यॉर्क का कैंपस चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन कैंपस में जाना चाहते हैं वो बेलविल कैंपस चूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इन आवर लिस्ट इज़ नॉर्दर्न कॉलेज। नॉर्दर्न कॉलेज का जो मेन कैंपस है वो टिमिन कैंपस है। टिमिन कैंपस में भी जो है आपको 10 दिन के अंदर अंदर जो है अपना ऑफर लेटर मिल जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इन आवर लिस्ट इज़ अलगोमा यूनिवर्सिटी। अलगोमा यूनिवर्सिटी के आपको टोटल 3 कैंपसेस मिलते हैं, जिसमें से इसके जो 2 कैंपसेस हैं वो ब्रैम्पटन में हैं और इसका जो मेन कैंपस है वो सू सेंट मेरी में है, जो कि इनका रीजनल कैंपस है और मेन कैंपस है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की। नेक्स्ट कॉलेज जो है वो जॉर्जियन कॉलेज है। जॉर्जियन कॉलेज के वैसे तो टोटल 7 कैंपसेस हैं, लेकिन इनका जो सबसे फेमस कैंपस है वो मेन कैंपस बैरी कैंपस है। इसके अलावा इनके 5 कैंपसेस और हैं और इनका जो जीटीए का कैंपस है वो जॉर्जियन आईलैक के नाम से है। सो आप किसी भी कैंपस में इनके ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं आपको जो है 2 वीक्स के अंदर अंदर जो है अपना ऑफर लेटर मिल जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे उन बच्चों की, जो बच्चे कैलगरी में जाना चाहते हैं वो पोर्टेज कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टेज कॉलेज में भी जो है आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना ऑफर लेटर मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो वैनकूवर एरिया में जाना चाहते हैं। वैनकूवर में आपको टोटल 3 ऑप्शंस मिल जाएंगी। वैनकूवर में आपको पहले यूनिवर्सिटी कैनेडा वेस्ट मिल जाएगी, जिसकी ऑफर लेटर आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाती है और यूनिवर्सिटी कैनेडा वेस्ट का जो कैंपस है वो वैनकूवर डाउनटाउन में है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यॉर्कविल यूनिवर्सिटी। यॉर्कविल यूनिवर्सिटी में आपको बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स मिल जाते हैं वैनकूवर डाउनटाउन में। इसके अलावा यॉर्कविल का एक दूसरा कैंपस टोरंटो एरिया में भी है, जो बच्चे ओंटारियो में जाना चाहते हैं। सो लास्ट कॉलेज इन आवर लिस्ट इज़ वैनकूवर कम्युनिटी कॉलेज। वैनकूवर कम्युनिटी कॉलेज का भी जो मेन कैंपस है वो वैनकूवर डाउनटाउन में है, जहाँ पे आपको जो है क्विकली ऑफर लेटर मिल जाता है। तो इस ये जो सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे जो है आपको ऑफर लेटर विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर मिल जाता है। नॉर्मली जो है 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको इन सारे कॉलेजेस में जो है ऑफर लेटर मिल जाता है। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है जो अपना 31 दिसंबर से पहले पहले वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि आज जैसे 12 तारीख हो गई है तो आप किसी भी कॉलेज में जो है अपना ऑफर लेटर डाल सकते हैं और अगर आपका जो ऑफर लेटर है 10 दिन के अंदर अंदर आ जाता है, आप क्विकली अपनी ट्यूशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं और जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपको जल्दी से जल्दी अपनी जो है GIC पे करनी होगी, ताकि आप जो है अपना 31 के पहले पहले अपना वीज़ा लॉन्च कर सकें विद $10,000 GIC। अगर आप 31 दिसंबर के बाद अपना वीज़ा लॉन्च करेंगे तो आपको जो है 20,635 का जो है GIC लेना होगा, यानी कि गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आपको अपना ऑफर लेटर अप्लाई करना है इनमें से किसी भी कॉलेज में तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।